मैंने यहाँ 2 बड़े कप चना लिया है। मैंने इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था, ये अच्छी तरह फूल चुका है। मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब मैं रेसिपी बताना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ चने की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। आज मैं साबुत मसाले के चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने यहाँ 2 बड़े कप चना लिया है। यहाँ मैं ली हूँ 4 से 5 मैंने प्याज कट करके रख लिया है, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। यहाँ मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ मैं लहसुन ली हूँ, जिसे मैंने छील कर रख लिया है, मैंने इसे कट नहीं किया है। मसाले में मैंने यहाँ लिया है नमक, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, मैंने इसे काट के रख लिया है। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले लेती हूँ। सभी चने को मैं कुकर में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए प्याज, जो मैंने 5 से 6 यहाँ प्याज मोटा मोटा मैंने इसे काट के रख लिया था। मैं प्याज डाल दूँगी। चने के साबुत मसाले की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने सभी यहाँ पर साबुत मसाले का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने प्याज को डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक, इसे मैंने बारीक काट के रख लिया था, मैं इसे डाल देती हूँ। मसाले में यहाँ मैंने लिया है नमक, तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, सभी को मैं डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तेल। मैं सभी को मिक्स करके मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। पहले चना पक चुका है, 10 से 15 मिनट मैंने इसे पका लिया। अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। साबुत मसाले की चने की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैंने इसे 10 मिनट पका लिया है। ये देखें, सभी मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, सभी मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। साबुत मसाले के चने की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें।